वेलकम टू NSG स्टडी सेंटर। आज हम सौरमंडल का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध सही जवाब। क्वेश्चन नंबर तीन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी शनि। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी वरुण। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए मरकरी जिसको कि बुध बोलते हैं, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यम। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी शुक्र, शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सबसे चमकीला ग्रह ऑप्शन नंबर सी जो कि है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल, बुध तथा बृहस्पति। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 13, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए शुक्र। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? किसे भोर का तारा कहते हैं? कौन से ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र, शुक्र को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। हमारा सही जवाब हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी एक पुच्छल तारा, ऑप्शन डी एक मृत प्राय तारा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मृत प्राय तारा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन बी एमंडसेन, ऑप्शन सी तस्मान, ऑप्शन डी जॉन केवाट। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 19, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए मैगलन, ऑप्शन बी अमेरिको वेस्पुची, ऑप्शन सी पियरी, ऑप्शन डी एमंडसेन। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन है?
ऑप्शन ए पेक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी सूर्य। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। आज का BBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा ये यूट्यूब चैनल का नाम है NSG स्टडी सेंटर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।